रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नया कार्यालय कसमंडा हाउस में उद्घाटन माननीय मंत्री जी के हाथ सुवस्तों से है। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है जिसमें लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है उसके संदर्भ में माननीय मंत्री जी प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। तो अगर मतलब मुस्लिम लोग हमारे पास आते हैं और जो सीट बीजेपी कभी जीती नहीं है ऐसी तो दो तीन सीटें अगर आरपीएफ को मिलती है तो आरपीएफ भी स्ट्रांग हो जाएगी। और एक हमने 4 मार्च को एक बड़ी रैली रखी है जिसमें 30-40 हज़ार से ज़्यादा लोग जमा हो गए लखनऊ में। मेरी कोशिश ये है कि भाई जो बीएसपी में गई हुई जनता है उन्होंने आरपीआई में आना चाहिए। बाबा साहब की सही पार्टी आरपीआई है, बीएसपी नहीं है। यूपी के लोग जानने के लिए हैं उतावले कि आखिर राजधानी लखनऊ में क्या कर रहे हैं रामदास अठावले, क्या है आज? नहीं, लखनऊ में इसलिए आए कि रिपब्लिकन पार्टी के नए कार्यालय का इनॉग्रेशन भी हमारा है और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की बैठक हमने रखी है और उसमें उत्तर प्रदेश में आरपीआई को बढ़ाने की कोशिश हमारी है। जिस तरह बहुजन समाज पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी यहाँ बहुत बड़ी स्ट्रांग थी लेकिन पूरी हमारी जनता बीएसपी ने अपने साथ ले ली है। मेरी कोशिश ये है कि भाई जो बीएसपी में गई हुई जनता है उन्होंने आरपीआई में आना चाहिए। बाबा साहब की सही पार्टी आरपीआई है, बीएसपी नहीं है। और इसीलिए बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने आरपीआई में आना चाहिए। इतना ही नहीं तो मैं मायावती को भी न्योता देता हूँ कि अगर मायावती आरपीआई में आती है तो उनको आरपीआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष हम बना सकते हैं और उनके नेतृत्व में काम करने की मेरी तैयारी रहेगी। और पूरे देश भर में दलितों की यूनिटी भी उस माध्यम से हो सकती है, उसके लिए भी मतलब उनको मायावती को हमारा अपील है। और पूरे उत्तर प्रदेश में हम आरपीआई को बढ़ाना चाहते हैं और बीजेपी के पास हमारा निवेदन है कि आरपीआई को साथ में रखे। अगर आरपीआई को यूपी में साथ में रखते हैं दो तीन सीटें अगर आरपीआई को लोकसभा की मिलती हैं तो बहुत सारा जो बहुजन समाज पार्टी के पास जो वोटिंग है उसमें से 10-15% वोटिंग हमारे साथ डाइवर्ट करने में हमको सफलता मिल सकती है और बीजेपी को और भी ज़्यादा फायदा होगा। और जो 80 सीटें में से 75 के ऊपर सीटें बीजेपी की चुनकर आ सकती है। यूपी में तकरीबन 18-19 सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व हैं, कितनी सीटें चाहते हैं आरपीआई के रामदास अठावले जी भारतीय जनता पार्टी से? चाहते मतलब अगर निर्णय हो जाता है तो एक 2-3 सीटें जो है जहाँ कोई एक दलित भी लड़ेगा मुस्लिम भी लड़ेगा। मुस्लिम समाज के बहुत सारे नेता मेरे संपर्क में हैं और वो भी मतलब आरपीआई के साथ आना चाहते हैं। उसके लिए मैं आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बात करने वाला हूँ और उसके बाद माननीय अमित शाह जी है, जेपी नड्डा जी है, बीएल संतोष जी है, उनके साथ मैं बात करूँगा और यूपी में आरपीआई को मजबूत करने के लिए मेरी कोशिश रहेगी। बिहार में नीतीश कुमार ने उलटफेर करते हुए पलटफेर किया है, एनडीए में आ गए हैं, किस तरह से देखते हैं? नीतीश कुमार जी ने इंडिया आघाड़ी पर पलटवार किया है। मतलब नीतीश कुमार जी ने हमारे साथ एनडीए के साथ आकर जो इंडिया आघाड़ी उसके ऊपर पलटवार किया है और वो हमारे आदमी थे और उन्होंने हमारे पास आना ही था, हमको पूरा विश्वास था। चुनाव के पहले जरूर नीतीश कुमार हमारे साथ आएंगे और इंडिया आघाड़ी को धक्का देंगे। एमबीए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में शिवसेना उद्धव गुट है, कांग्रेस है, शरद पवार हैं, प्रकाश अंबेडकर हैं। कहा जा रहा है कि बंगाल और बिहार की तरह वहां भी सीटों के बंटवारे पर पेच फंस गया। अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा होता है तो कितनी चुनौती होगी एनडीए के लिए महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में हमको चुनौती बिल्कुल नहीं है, मतलब हमारी ताकत इतनी मजबूत है कि महाराष्ट्र में जो 48 सीटें हैं उसमें से 45 सीटें जीतने का हमारा प्लान है और ये आघाड़ी कितनी भी कोशिश करे लेकिन नीतीश कुमार ने इस आघाड़ी की हवा निकाल दी है और इसीलिए जनता हमारे साथ है। और ममता बनर्जी भी अलग हो गई? हाँ, ममता बनर्जी भी वेस्ट बंगाल में अलग लड़ने वाली है, आम आदमी पार्टी भी अलग लड़ने वाली है, फिर बाकी कांग्रेस पार्टी रह गई है, इसीलिए इंडिया आघाड़ी में कोई दम नहीं रहा है। कितनी सीटें चाहते हैं यूपी में आप? कितनी सीटें चाहते हैं यूपी में? कितनी सीटें चाहते हैं? नहीं, यूपी में अगर बातचीत होती है तो 2-3 सीटें अगर आरपीआई को मिलती है तो उसका फायदा बीजेपी को और भी ज्यादा अच्छा होगा और इसीलिए हमारी सर पॉलिटिक्स की तैयारी।
नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, प्रेशर पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। हम हमारे संबंध माननीय मोदी साहब के साथ, बीजेपी के सभी नेताओं के साथ अच्छे हैं, और प्रेशर का काम मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं बीजेपी का मजबूती से समर्थन करना चाहता हूं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में 2-3 सीटें वो चाहते हैं। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि एनडीए गठबंधन के हिस्सा रामदास अठावले को बीजेपी यूपी में कितनी सीटें देती है। लखनऊ से सहयोगी आयुष के साथ मैं अभिषेक दल, इंडिया हिंदी, लखनऊ।